नमक भले ही खाने को टेस्टी बनाने के लिए डाला जाता हो, लेकिन इसका कम और अधिक होना दोनों ही आपकी सेहत को बिगाड़ सकते हैं। खाने में ज्यादा नमक दिल की बीमारियों को बढ़ा देता है, वहीं इसकी कमी मांसपेशियों के सिकुड़ने की वजह बन सकती है और साथ ही इससे कमजोरी की समस्या भी आ सकती है। ऐसे में जरूरी है कि हम नमक की सही मात्रा लें और खुद को स्वस्थ रखें। आमतौर पर यह माना जाता है कि नमक हमारी सेहत के लिए या तो अच्छा है, यानी कि अगर आपको लो ब्लड प्रेशर हो रहा है तो आप नमक खाइए, या उसको बुरा माना जाता है, यानी आपको हाई ब्लड प्रेशर होता है तो उसको ना खाइए। तो आखिर नमक के पीछे क्या है जो हमें ध्यान रखना चाहिए? तो पहली बात है कि नमक यानी सॉल्ट, उसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है उसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड हमारे शरीर में एक ऐसा तत्व है जो कि बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे जो खून है, हमारे जो सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उसको बहुत ज़रूरी होता है, रिक्वायर्ड होता है हमें हेल्दी रखने के लिए। तो नमक भी ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके का है। जो आम तौर पे हम नमक खाते हैं, जिसको हम टेबल सॉल्ट कहते हैं, वो सफ़ेद सॉल्ट एक सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में होता है। उसके अलावा भी कई तरह के सॉल्ट हैं, जैसे कि आपको पता होगा सेंधा नमक होता है, फिर जो व्रत में हम खाते हैं जिसको हम सेंधम नमक भी कहते हैं, फिर दूसरा होता है नमक जिसको हम रॉक सॉल्ट कहते हैं, फिर रॉक सॉल्ट के अलावा कई तरह के सॉल्ट्स हैं जिसके अंदर सोडियम की मात्रा कम है, जिसको हम लो सोडियम सॉल्ट कहते हैं, और फिर कोई इस तरह के भी सॉल्ट होते हैं जिसके अंदर आपको थायराइड बीमारी ना हो, इसकी वजह से आयोडाइज सॉल्ट होते हैं। तो आयोडाइज सॉल्ट, सेंधा नमक, ब्लैक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, नॉर्मल वाइट सॉल्ट, ये तरह के अलग अलग तरीके के सॉल्ट हैं। तो नमक आखिर अलग अलग तरीके के क्यों होते हैं? उसका कारण है कि नमक एक सिंपल कंपाउंड नहीं होता है, उसके अंदर कई तरीके के तत्व होते हैं जो आपके शरीर को महत्व आपके शरीर के लिए महत्वपूर्ण हैं और आपके लिए ज़रूरी हैं। ये सारे तत्व जो कि डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स बनते हैं, वो आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन करते हैं, आपकी स्किन की त्वचा की टोन मेंटेन करते हैं, आपके बालों का टेक्सचर मेंटेन करते हैं, और ये सारे जो बेनिफिट्स हैं हमें इन इलेक्ट्रोलाइट से मिलते हैं। सो पहली बात है कि किस तरीके का नमक खाएँ। नमक हमें कोशिश करना चाहिए कि नेचुरल सॉल्ट खाएं और उसमें भी वैरायटी खाएं। जैसे फॉर एग्जांपल चाट मसाला है, उसमें अलग अलग तरह के नमक और हर्ब्स होते हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं और डाइजेस्टिव हैं। तो अपने फ्रूट या अपनी सलाद में आप चाट मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर सेंधा नमक आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, उससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, उसके अंदर वैसी तत्व नहीं होते जो आपकी आर्टरीज को, आपके जो नसों को स्पॉइल करें। तो सेंधा नमक भी ज़रूर खाना चाहिए वंस इन अ मंथ, जब भी आप फास्टिंग कर रहे हैं, या ट्वाइस अ मंथ या वंस अ वीक, जितने दिन भी आप फास्ट करते हैं सेंधा नमक इस्तेमाल करें। देन रॉक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, इस तरह के जो नमक होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं थायराइड से बचने के लिए, और साथ में और भी कई नर्वस सिस्टम की बीमारियाँ होती हैं, आपके जो नर्व्स हैं उसकी बीमारियाँ होती हैं, उससे बचने के लिए ये नमक बहुत ज़रूरी होते हैं। देन ऑफकोर्स यू हैव सॉल्ट विच इज़ लो सोडियम सॉल्ट। तो जो लो सोडियम सॉल्ट है वो उन पेशेंट्स के लिए ज़रूरी है, उन लोगों के लिए ज़रूरी है जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ने के पीछे कारण होता है सोडियम का, तो उसको रिप्लेस करते हैं पोटेशियम से, जिसको हम कहते हैं लो सोडियम सॉल्ट। तो ये जो लोना नमक है, अगर आप ये इस्तेमाल करें लो सोडियम सॉल्ट, तो उससे ब्लड प्रेशर में इम्प्रूवमेंट आता है। आयुर्वेद में तो इनफैक्ट कई मेडिसिंस हैं या कई तरह के चूर्ण हैं, जैसे कि लवण भास्कर चूर्ण है जो कि इन्हीं तत्वों से बना होता है, और ये तरीके का डाइजेस्टिव चूर्ण भी है। नमक कितना खाएं? नमक सिर्फ उतना ही खाना चाहिए जितना आपके शरीर को ज़रूरी है, और उससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा खाने से ओवरडोज होने से आपकी किडनी पे असर पड़ना शुरू होता है, और आपकी किडनी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है वो एक्स्ट्रा नमक आपके शरीर से बाहर फेंकने की। तो 5 ग्राम नमक मोर देन सफिशेंट होता है पर पर्सन एक पूरे दिन में। उससे ज़्यादा अगर आप खाते हैं तो आपका शरीर डाइजेस्ट तो कर पाएगा, मगर आपकी किडनी पे धीरे 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 करके जोर बढ़ना शुरू होगा। ऐसे कई पदार्थ हैं जो कि हम खाएं उसमें नमक की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि उससे हमें साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। तो ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल पापड़ है, सॉसेज हैं, केचप है, कैंड फूड, टिन फूड। तो ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको पैकेट में मिलते हैं, टिन में मिलते हैं, इन सब में इतना ज़्यादा नमक होता है कि अगर आप रोज़ रोज़ खाएं तो बीपी की मरीज बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसीलिए इनको जंक फूड की कैटेगरी में माना जाता है कि इस ऐसे फूड्स को एक थोड़ा खाएं, उतना ही खाएं जबकि वंस इन अ वाइल है, जैसे वंस अ वीक खा लिया, ताकि आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर पाए। अब कुछ चीज़ें हैं जैसे कि लो ब्लड प्रेशर, और लो ब्लड प्रेशर में क्या करना चाहिए? लो ब्लड प्रेशर में एक पहली बात है कि पर्याप्त नमक खाना चाहिए, और अगर आप फास्ट रख रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, तो बिना नमक के व्रत ना रखें, क्योंकि उसमें आपके ब्लड प्रेशर लो होने की प्रॉब्लम हो सकती है। नमक जैसे हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, तो क्या सही तरीका है खाने में इस्तेमाल करने का?
तो सही तरीका ये है कि खाने पकाते टाइम आप उतना ही नमक इस्तेमाल करें जितना आपको ज़रूरत है, और टेबल पे एक्स्ट्रा नमक ना रखें, बिकॉज जब टेबल पे एक्स्ट्रा नमक होता है तो इंसान की एक नेचुरल टेंडेंसी है कि वो फिर और नमक ऐड कर देता है और ज़्यादा नमक खाता है। दूसरी एक और चीज़ है जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो चीज़ों में ऑलरेडी नेचुरल नमक है उस पर पहले से ही थोड़ा कम नमक फिर ऐड करें। जैसे कुछ फ्रूट्स हैं, जैसे तरबूज है, खरबूज है, इसमें अपने नमक नेचुरल होता है, पालक है, इसमें अपना नेचुरल नमक है, तो उसमें और ज़्यादा उसको नमक ऐड ना करें क्योंकि वो ओवरडोज हो जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं अगर आप ध्यान रखेंगे नमक के बारे में, तो एक तो आप वैरायटी ऑफ नमक खाएंगे, सही मात्रा में खाएंगे और सही तरीके से उसको यूज़ करेंगे, जिससे कि आपका स्वास्थ्य में बेटरमेंट होगा और आप हेल्दी महसूस करेंगे।